प्रिय कक्षा 11 के विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव वाणिज्य वर्ग की आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वाणिज्य विषय के परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी आपको प्रदान की थी। दूसरी बात, हमने आपको इस विषय की उपयोगिता के बारे में कुछ छोटी जानकारियां आपको दी थी, जिससे आपको इस विषय की उपयोगिता के बारे में कुछ जानकारी हो सके। आज हम चर्चा करेंगे बही खाता एवं लेखा शास्त्र के उद्देश्य के बारे में। आखिर में हम इस विषय को पढ़ रहे हैं तो इस विषय को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। वैसे तो इस विषय की जो उपयोगिता है वो अति प्राचीन काल से ही देखी जा रही है, क्योंकि यदि हम धन के इतिहास के बारे में जानकारी करनी चाहें तो उस धन के इतिहास के बारे में जो जानकारी है वो बिना हिसाब किताब की प्रणाली की जानकारी के पूरी तरह से अधूरी है। मीन्स यदि धन का कोई प्राचीन इतिहास है तो कहीं न कहीं उस इतिहास के साथ बही खाता और लेखा शास्त्र का भी इतिहास रहा है। तो इसका कुछ उद्देश्य जरूर होगा कि यदि धन का इतिहास है तो फिर हिसाब किताब की प्रणाली का इतिहास होगा, तो इसका दोनों का इतिहास होने का उद्देश्य वास्तव में क्या है। तो उद्देश्य के बारे में अगर हम यहां देखना चाहें तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, मानव प्रवृत्ति, मानव स्वभाव या मानव की प्रवृत्ति। ईश्वर ने मानव को जो मस्तिष्क दिया है, इस मस्तिष्क की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं होने का मतलब यह है कि वो मानव अपने द्वारा किए गए लेन देनों और व्यवहार की बातों को बहुत लंबे समय तक सबको एक साथ याद नहीं रख सकता, और यदि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए लेन देनों को भूल जाएगा तो या तो वो खुद का नुकसान कर लेगा या वो सामने वाले व्यक्ति का नुकसान कर देगा। इस समस्या से बचने के लिए मानव ने क्या किया कि उसने अपनी भाषा में उस हिसाब किताब को, उस लेन देन के कार्य को लिखना प्रारंभ कर दिया। मानव ने क्या किया, उसे लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि उसे महसूस होने लगा कि हम जब दो चार क्रियाएं कर लेते हैं, पांचवी क्रिया कर लेते हैं, तो पहली और दूसरी की गई क्रिया की जो गणितीय स्थिति है, उसकी एग्जैक्ट स्थिति है, उसको हम पूरी तरह से याद नहीं रख पा रहे हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ने क्या किया, अपने द्वारा किए गए लेन देनों को लिखना प्रारंभ किया, और जब लिखने लगा तो लिखने के बाद जब वो आपस में हिसाब किताब को देखने के बारे में सोचता रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें उसे कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर मिलती होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति का मस्तिष्क एक जैसा नहीं है। हिसाब लिखने वाला अपने मस्तिष्क के हिसाब से हिसाब लिखा है, समझने वाला अपने हिसाब से रखा है, तो कहीं ना कहीं उस समय भावनाओं को समझने का अभाव था, भाषा का अभाव था, लेखन शैली का अभाव था, हिसाब किताब की विधि का अभाव था, जिसके कारण जो भी हिसाब किताब उनके बीच में होता था उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोष जरूर पैदा हो जाता था। तो इन दोषों को दूर करने के लिए कई विधियों का जन्म हुआ, क्योंकि हम जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं हुई वैसे वैसे नवीन विधियों का जन्म हुआ। तो यहां पे इसके बाद जो अगला चरण आया इन दोषों को दूर करने के लिए, वो आया लेखांकन विधि, लेखांकन विधियां, हिसाब किताब रखने की अनेक विधियां आई। तो इस तरह से हमने देखा कि इस लेखा शास्त्र का उद्देश्य आज भी जीवंत है, क्योंकि उस समय तो लेन देन बहुत सीमित हुआ करता था, लोगों के बीच में कम लेन देन होते थे। जब उस समय यह समस्या आई
तो आज के समय में तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन ढेर सारे लेन देन हो रहे हैं, वो अपने हिसाब किताब को कैसे रख सकता है। वर्तमान युग तो साख का युग है, यहाँ पे उधार के द्वारा ही सारे व्यवसाय चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिसमें 100, 200, 1000 नहीं लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। उन सबके हिसाब किताब को रखना, जिनसे हम लेन देन कर रहे हैं उनके हिसाब किताब को रखना, एक जटिल प्रक्रिया हो गई है। तो इसलिए वर्तमान समय में इसका उद्देश्य आज भी जीवंत है और आगे भी है। उद्देश्य इसका जीवंत रहेगा, जो कि इस विषय के पढ़ने वालों के लिए एक शुभ संकेत है। तो हमने इस उद्देश्य को देख लिया कि बही खाता और लेखा शास्त्र का उद्देश्य क्या है, तो हिसाब किताब की बातों को भविष्य में हम याद रख सकें, उसे एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकें, जिससे वाद विवाद की स्थिति न जन्म हो। यह बही खाता और लेखा शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य और ढेर सारे हैं जिनमें हम विस्तृत कक्षाओं के टाइम पे अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि आपका यह उद्देश्य पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पोर्शन है आपका बही खाता और लेखा शास्त्र का इतिहास। इतिहास के बारे में मींस कब बही खाता और लेखा शास्त्र का जन्म हुआ, वास्तव में इसकी एग्जैक्ट स्थिति के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन यह माना जाता है कि जब व्यक्ति धन के रूप में लेन देन करना शुरू किया, या धन के पहले भी वस्तुओं से वस्तुओं को बदलने की क्रिया प्रारंभ किया था, उस समय ही बही खाता और लेखा शास्त्र का जन्म हो चुका था। लेकिन उस समय यह पूरी तरह से एक सही दिशा में काम नहीं कर पा रहा था। उसका इतिहास, उसकी उस दौर की जो क्रियाएं हैं, उस दौर की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन यह माना जाता है कि यह प्रणाली अति प्राचीन है। भारत में अगर बात करें तो भारत में आपने एक राजा का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके एक महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य, और ये 2300 एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो वास्तव में इसकी जो स्थिति है वो 2300 शताब्दी के पूर्व, 2300 शताब्दी के पूर्व एक चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, उनके एक महामंत्री थे, उनका नाम था कौटिल्य। इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य चाणक्य। और इन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। वास्तव में यह एक राजनीति की किताब थी, एक राजनीति विज्ञान, जिसमें राजनीति के दांव पेच थे। लेकिन उसमें राजनीति को संचालित करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता और उस मुद्रा की व्यवस्था की आवश्यकता, उसके हिसाब किताब की आवश्यकता के बारे में भी वर्णन किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2300 शताब्दी पूर्व भी इस हिसाब किताब की स्थितियां मौजूद थी, और धीरे धीरे करके उनमें व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास किया, उसमें आने वाली अड़चनों को दूर करके नई, नवीन और अपने लिए और अधिक सरल विधियों का आविष्कार किया, जिनमें से कुछ विधियों के बारे में हम आपको बताते हैं। बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनमें से कुछ विधियां जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक है एजेंसी बुक कीपिंग सिस्टम, एजेंसी बुक कीपिंग सिस्टम। एक है आपका भारत में प्रयोग की गई थी, वो है भारतीय बही खाता प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली। एक और विधि है, उसका नाम है इकहरा लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली। बहुत दिन तक, अभी पिछले बहुत नजदीक के समय में इसे हटाया गया है। इसके पहले सरकारी काम जो थे, सरकारी ऑफिस जो थे, वो इकहरा लेखा प्रणाली पे ही काम करते थे। और जो चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट और वर्तमान समय की सबसे ज्यादा लोकप्रिय, पूरे विश्व में प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है, उसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली।
इस तरह से कई प्रणालियां हैं, इन प्रणालियों का, इन सब का अध्ययन हम जैसे जैसे हमें समय मिलेगा आपके चैप्टर में इन सारी प्रणालियों का चर्चा किया गया है, तो जैसे जैसे इनका समय आएगा, आवश्यकता पड़ेगी, उस समय हम आपको इन प्रणालियों के बारे में एक के बाद एक आपको बताएंगे, समझाएंगे। वर्तमान समय में आपका जो विषय है उस विषय में शुरुआत करनी है हमें दोहरा लेखा प्रणाली पर। इस दोहरा लेखा प्रणाली पे ही इस समय पूरे विश्व की जो हिसाब किताब की प्रणाली है एक हिसाब से देखा जाए तो इसी पर आधारित है। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है जिसके द्वारा वर्तमान समय की व्यापारिक क्रियाओं, औद्योगिक क्रियाओं को संचालित किया जा रहा है। यह प्रणाली स्थानीय, राज्यीय, अंतरराज्यीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रणाली को वर्तमान समय में अपनाया जा रहा है। तो हम अपनी अगली वीडियो में आपसे जो चर्चा करेंगे उसका जो प्रमुख बिंदु होगा वो होगा दोहरा लेखा प्रणाली। धन्यवाद।